देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने। भोजपुर जिला खान व्यवसायिक संघ अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि हम लोग नए खाद तब तक नहीं उठाएंगे जब तक पुराने खाद बेच नहीं लेते हैं, क्योंकि गोदाम में पुराने खाद काफी मात्रा में भरी पड़ी है। और जितने भी रेक पॉइंट से रेक से हम लोग को माल इस जिला के लिए मिल रहा है, जिला में जो है जो लोग हैं सासाराम से गोदावरी है बनी हुई है संगठन, अभी आरा में एक ही रेक लगी है, एक मजदूर पूरे व्यवसायी वर्ग है, एक रिक्शा पुलक अभी अस्तित्व किए हुए संगठन, माल का उठाव ठेला चालक के संगठन और संपूर्ण लोगों का संगठन बंदी अपने सुरक्षा के लिए, हर क्षेत्र से सुरक्षा के लिए हर वर्ग अपना अपना एक संगठन बना के होता है। ऐसे हमारा धर्म सनातन धर्म भी कहता है कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ में शक्ति रहती है। तो हम लोग का उर्वरक व्यवसायी जो है, जो कि हर तरह से संपन्न वर्ग है, इसके पास आर्थिक क्षमता भी है, जनशक्ति भी है, बौद्धिक शक्ति भी है, जो तीन तरह की शक्तियाँ विश्व में मानी जाती है, तीनों शक्ति संपन्न हम लोग का व्यवसायी वर्ग है। तो हम लोग वही विचार किए कि क्यों नहीं हम लोग का भी एक संघ बनना चाहिए, चूँकि वर्तमान में सरकार की एक समस्या हम लोग के बीच में खड़ी हो गई है वर्तमान परिवेश में। और समस्या ये है कि सरकार अभी एक नया नियमावली निकाली है कि हम लोग कोई भी उर्वरक का जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको एक शपथ पत्र देना है सरकार के बीच, और उस शपथ पत्र के तहत ही हम लोग काम करेंगे। माने जो भी यूरिया डीएपी फॉस्फेटिक आइटम जो भी हम लोग बेचेंगे बिक्री करेंगे उसमें एक शपथ पत्र हम लोग देंगे। तो ये शपथ पत्र में बांधना हम लोग के लिए है सरकार को, ये उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि शपथ पत्र में जो दर निर्धारित सरकार के द्वारा की गई वो दर हम लोग के लिए उचित नहीं, उस दर पर हम लोग खाद बेच नहीं सकते, क्योंकि जो रेट है हम लोग का अनेक तरह के खर्च है, जो व्यवहारिकता में इतनी खर्च है कि प्रत्येक बोरी पर लोडिंग अनलोडिंग का खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, जबकि जिले के सुदूर देहात क्षेत्र में भी हम लोग का खाद भेज करके और 266 रुपया मात्र सरकार कह रही है कि इतना में भेजिए, जबकि 30-35 रुपया प्रति बैग यहाँ से तरारी आरआरए पॉइंट से तरारी भेजने में हम लोग का खर्च हो जाता है प्रति बैग। उसके अलावे 10 रुपया लोडिंग अनलोडिंग का खर्च हम लोग का होता है। उसके अलावे जो व्यवसायी वहाँ खुदरा विक्रेता लेगा वो भी किसान को देगा तो माल उठा करके देता है किसी गाड़ी से, तो इस तरह के अनेक खर्च है। उसके बाद दुकान की खर्च है, गोडाउन की खर्च है, सेल टैक्स इनकम टैक्स सरकार के हम लोग देते हैं, जीएसटी वगैरह देते हैं, उसकी खर्च है। जो हम लोग अपने स्टाफ रखते हैं वो स्टाफ का जो हम लोग वेतन देते हैं उसका खर्च है। उसके अलावा अनेक तरह के बैंक के पैसा से हम लोग जो व्यवसाय करते हैं तो बैंक को ऋण देते हैं, उस पैसा के खर्च देते हैं, उसका खर्च है। इस सब चीज़ को हम लोग का आग्रह सरकार से यही है कि इन सभी चीज़ों को व्यवहारिकता में देखते हुए और एक मीटिंग हम लोग के साथ में जो हमारे खाद्य व्यवसायी पूरे बिहार प्रदेश के हैं, हम लोग की संगठन पूरे बिहार प्रदेश में बनी